हमारे साथ आज एक ऐसी ही खातून मौजूद हैं जिसने मुआशरती पाबंदी की जंजीरों को तोड़कर वो कुछ कर दिखाया जो बहुत सी खवातीन नहीं कर पाती। एक गेम नहीं, दो गेम नहीं, तीन गेम्स नहीं, बल्कि 7 गेम्स के अंदर चैंपियनशिप जीती और बेपनाह गोल्ड मेडल्स हासिल किए। इनका नाम नीलम रियाज है और इनसे बात करेंगे कि क्या इनकी जर्नी रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ये बताएं कि जो आपकी जो पूरी जर्नी थी, ये आगाज़ कहाँ से हुआ? आपने जिस तरह जिमनाजियम भी की, कबड्डी भी खेली, वुशू खेला, कराटे खेले, साइकिलिंग की, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, आगाज़ किस गेम से किया और कब किया? सबसे पहले मैंने आगाज़ किया था वो जिमनास्टिक से किया था। तो वो इस तरह था कि मुझे शौक पहले तो बिल्कुल भी नहीं था। 4th क्लास में थी जब मैं अपनी क्लास में बैठ के जो है वो बाहर ब्रेक के टाइम देख रही होती थी कि वहाँ पे लड़कियाँ जो है वो जिमनास्टिक कर रही होती थी, बस उनको देख देख के शौक पैदा हुआ। तो फिर मैंने किया करना, मैंने अपनी ब्रेक को इन्जॉय नहीं किया करना, मैंने जाके गेम किया करनी वहाँ पर। एक दफ़ा टीचर की नज़र जब मुझ पर पड़ी तो उन्होंने मुझे कहा कि ये तुमने कहाँ से सीखी है? तो मैंने तब फ्रंट रोल बैक रोल करना शुरू किया था। तो उन्होंने कहा ये कहाँ से सीखी है? तो मैंने कहा मिस मैंने तो इनको देख देख के किया है, सही बताओ। मैंने कहा हाँ जी मिस ऐसे ही है। उन्होंने मुझे फिर ना अपनी टीम में जो था वो एंटर कर लिया। उसके बाद ये था कि मैंने जिमनास्टिक की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, फिर स्कूल लेवल पे ही मैंने साइकिलिंग स्टार्ट कर दी। फर्स्ट टाइम मैं वेलड्रम में जब अपना कंपटीशन खेलने के लिए गई थी इंटर स्कूल का, तो उस टाइम पे मेरी टाइमिंग बहुत अच्छी आई थी। तो वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी की टीम भी ट्रेनिंग कर रही थी, तो उन्होंने जब देखा कि इस लड़की की टाइमिंग अच्छी आई है साइकिलिंग में, उन्होंने मुझे अपनी टीम में रख लिया। मेरे लिए वो मूवमेंट जो था वो बहुत ज़्यादा फ़ख्र वाला था कि मैं ना कोई इंटर बोर्ड खेली हूँ, ना कोई छोटे लेवल पे खेली हूँ, मैं डायरेक्ट नेशनल गेम्स खेलने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने मुझे सिलेक्ट कर लिया था। और मेरी एज भी काफ़ी छोटी थी। मैंने माशाल्लाह 5 साल साइकिलिंग की है। साइकिलिंग के बाद मेरे कोच ने कहा कि कराटे की टीम बन रही है तो तुम उसमें आ जाओ। मुझे बस जुनून था, मैं कहती थी कि मैं जिस गेम में भी जाऊँ मैं कुछ कर दिखाऊँ उसमें। तो बस इसी तरह ही मैं कराटे में आ गई। मैंने कराटे की भी ट्रेनिंग ली, उसमें भी चैम्पियनशिप खेली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने उसमें भी मुझे इज्जत दी। उसके बाद मैंने जिमनास्टिक के कोच थे मेरे, वो मुझे बहुत फिटनेस की ट्रेनिंग करवाते थे। उन्होंने मुझे कहा कि जिमनास्टिक, क्योंकि इंटर कॉलेज में मैं खेलती थी साइकिलिंग और जिमनास्टिक की बेस्ट प्लेयर रही थी। वहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट होती गई कि मुझे गेम्स का शौक पैदा होता रहा। फिर जब ये वर्ल्ड कप खेलने के लिए हम लोगों ने कबड्डी का जाना था, तो मेरे पास कबड्डी के कोच आए। उन्होंने मेरे कोच से बात की कि आप ना इसको नीलम को कबड्डी में भेज दें। तो मैं कोच की तरफ देख के तो स्माइल पास कर दी। उन्होंने मुझे कहा क्या हुआ? मैंने कहा सर मैंने नहीं जाना। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा सर सबने कहना है कि नीलम हर गेम में चली जाती है, तो मैंने कहा इसलिए मैंने नहीं जाना। सर ने मुझे कहा कोई बात नहीं। सर ने फिर मुझे एक बात याद दिलाई, उन्होंने मुझे कहा कि ग्रीन कोर्ट जो है ना इसके लिए हम सब प्लेयर जो है वो सख्त मेहनत करते हैं कि हम लोगों को पाकिस्तान का ग्रीन कोर्ट मिल जाए। ये कोर्ट का सोच के गई थी कबड्डी की ट्रेनिंग में। ओनली 15 डेज की हम लोग ट्रेनिंग करके फर्स्ट टाइम वुमेन की टीम जो है वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई। और माशाल्लाह से 8 टीमें थी, 8 टीमों में से हमारी पाकिस्तान की टीम 4th नंबर पर आई थी। सही। इंडिया की टीम जो थी वो कहने पर मजबूर हो गई थी कि हम नहीं मानते कि पाकिस्तान की टीम ने इतने कम डेज में ट्रेनिंग की है। यहाँ से फिर मैंने वर्ल्ड कप भी खेल के आई। फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग माशाल्लाह ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे। उसके बाद मैंने 7 ईयर्स हो गया मुझे वेट लिफ्टिंग करते हुए। वेट लिफ्टिंग फिर मैंने इसलिए फ़ाइनल कर ली थी कि मैंने वेट लिफ्टिंग ही खेलनी है, क्योंकि इतने सालों से मैं कंपटीशन खेल रही थी डिफरेंट गेम्स के। फिर मेरा ये शौक था कि अब पेरेंट्स कितनी देर जो है वो आपकी टोटल अखराजात अफोर्ड कर सकते हैं। फिर मैंने कहा कि मैंने जो है वो गेम खेलनी है जिसमें मुझे जॉब मिले। सही। अच्छा, तो ये जो सारी आपने गेम्स खेली हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा टफ आपके लिए कौन सी रही और उसमें आपने क्या क्या स्ट्रगल रही आपकी उसमें? मेरे लिए सबसे ज़्यादा टफ जो है मेरी स्टार्टिंग पे ही गेम रही थी साइकिलिंग की। उसमें मेरी बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की इंजरी भी हुई थी, मुझे रोड एक्सीडेंट हुआ था, मेरे सर पे जो है वो स्टिचेस लगे थे, मुझे 7 स्टिचेस लगे थे। और उस टाइम पे जो हमारा कोच था उसने कह दिया कि बस इसको ये फारिग हो गई है, ये अब खेल ही नहीं सकती। मैंने उस कंडीशन में स्टिचेस लगे हुए जो है वो मैंने कैप पहन के, और मैंने नेशनल खेली थी और उस नेशनल में मैंने 9 इवेंट्स होते हैं साइकिलिंग के, माशाल्लाह से 7 मेडल मैंने लिए थे उसी नेशनल में। मैंने दिखाया था कि इसका मतलब ये नहीं होता कि प्लेयर्स को इंजरी हो जाए तो वो बेकार हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मेरे में जोश और जुनून था जिसकी वजह से मैंने अपनी गेम नहीं छोड़ी। कभी ऐसा फील हुआ कि लड़कों को ज़्यादा अहमियत दी गई है आप लोगों के ऊपर? नहीं, स्टार्टिंग पे बहुत ज़्यादा फील होता था ये कि लड़के ही क्यों, हर कंपटीशंस पे लड़कों ने ही क्यों जाना है। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फेडरेशन है, हमारे फेडरेशन के जितने मेंबर्स हैं, अमजद अमीन भट्ट साहब हो गए, हमारे जो सबसे बड़े जो ऑफिसर हैं हाफिज़ इमरान भट्ट, इन सब
की मेहनत की वजह से जो है आज वुमेंस की टीम भी जो है वो पार्टिसिपेट करती है इंटरनेशनल इवेंट्स पे। तो ये रिसेंटली इवेंट्स जो आने वाले हैं उनमें इंशाल्लाह ताला हम लोगों की वुमेन की टीम ने मर्दों के शाना बशाना जो है वो टीम में पार्टिसिपेट भी करना है और इंशाल्लाह ताला मेडल भी लेने हैं। ये जो सारा प्रोसेस होता है, आप वेट लिफ्टिंग करती हैं, आपकी ट्रेनिंग होती है, आपकी डाइट होती है, तो इस सारे प्रोसेस में कितना खर्चा आ जाता है और फिर ये अखराजात पूरे कैसे होते हैं, तो थोड़ा इस बारे में बताएं ताकि जो हमारी खवातीन देख रही हैं उनको भी मोटिवेशन मिले इस बारे में। देखिए गेम कोई सी भी ली जाए ना, गेम कोई भी जो है वो आसान नहीं है। हर गेम के जो है वो अपनी अपनी जगह पे जो है इनके खर्चे होते हैं। हमारी वेट लिफ्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा टफ गेम है। जैसे मैं वेट लिफ्टिंग में हूँ, मैं तो इस गेम को कहूँगी कि बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि हम लोग जितना अर्न करते हैं उससे डबल जो है वो हम खुद पे लगा भी लेते हैं। हमने बस अपनी मदर को जाके पैसे देने होते थे, अम्मी ये हमारी सैलरी आई है, बाद में उन्हें नहीं पता कि इन्होंने कहाँ कहाँ से निकलवा भी लिए हैं, क्योंकि हम लोगों को हमारे कोचेज जो हैं वो हम लोगों को डाइट प्लान देते हैं, हमारे सप्लीमेंट्स होते हैं जो हम लोगों को रूटीन से यूज़ करने होते हैं, तो वो हमारे जो कोच हैं अवैस अकबर और वकास अकबर वो हम लोगों को शेड्यूल पूरा लिख के देते हैं, डाइट का भी, डाइट के साथ साथ जो है वो हम लोगों को मल्टी विटामिन्स भी जो हैं वो भी बताते हैं कि आप लोगों ने ये यूज़ करने हैं। उसी चीज़ को हम फॉलो करते हुए जो है वो पैसे निकलवाते हैं अपनी फैमिली से, तो हमारी गेम पे जो है वो लगाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कुछ बन जाते हैं। अच्छा, तो आगे का क्या प्लान है आपका? आपकी कभी आपने ये वेट लिफ्टिंग के छोड़ के कभी कोई मोहब्बत या इस तरफ भी गई है, या सिर्फ पूरा फोकस गेम्स की तरफ ही है? मेरा इश्क और जुनून और मेरी मोहब्बत ये सारा कुछ जो है ना मैंने इस पे लगा दिया है। सही, मेरी वेट लिफ्टिंग ही जो है यही सब कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को 2.5 साल होने वाले हैं। अच्छा, माशाल्लाह। शादी भी मेरी कुछ इस तरह से हुई, अभी इरादा कोई नहीं था। वेट लिफ्टर से होगी? नहीं, वेट लिफ्टर से नहीं हुई। अच्छा। स्पोर्ट से हट के जो है मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड जो हैं वो एडवोकेट हैं, वो मेरी फील्ड से टोटली हट के हैं, तो उनकी सपोर्ट की वजह से और मेरे फादर इन लॉ जो हैं उनकी सपोर्ट की वजह से मैं आज ये गेम दोबारा कर पा रही हूँ। माशाल्लाह से मेरी 1.5 साल की बेटी भी है, तो बेटी के बाद जो है ये दोबारा से मैंने गेम शुरू की है और यहाँ तक पहुँच गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैं शादी से पहले अपना वेट लिफ्ट कर रही थी उसके करीब करीब जो है, बल्कि उससे अच्छा ही करूँगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मेरे कोच जो हैं अवैस अकबर और वकास अकबर वो बहुत ज़्यादा मेहनत करवा रहे हैं ताकि इस टाइम मैं सबका निशाना बनी हुई हूँ कि नीलम तो बस, नीलम ने गेम छोड़ दिया तो नीलम अब वो परफॉर्मेंस नहीं रही। बट ये है कि मैं इस चीज़ को साबित करना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं होता। सबसे पहले तो कहा जाता है कि लड़कियाँ जो हैं स्पोर्ट्स वाली वो शादी ही नहीं करवाती, फिर जब वो कह देते हैं कि शादी करवा लें तो इनके बच्चे नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबके सामने एक रोल मॉडल खड़ी हूँ, मेरी शादी भी हुई है, माशाल्लाह से मेरी बेटी भी है और मैंने दोबारा से जो है वो अपनी गेम में कम बैक किया है और इंशाल्लाह ताला पहले से अच्छा रिजल्ट दे के और पाकिस्तान का नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर नाम रोशन करूँगी। सही जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे नीलम रियाज की, और जैसा कि इन्होंने कहा कि इन्होंने वेट लिफ्टिंग भी की, पावर लिफ्टिंग भी की और बेपनाह गेम्स खेली और उसके साथ साथ अपनी जो घरेलू ज़िंदगी है उसको भी कंटिन्यू रखा, शादी भी की और अभी भी आज भी अपनी बेटी के होने के बावजूद भी ये वेट लिफ्टिंग कर रही हैं और आगे भी इनका प्लान है कि पाकिस्तान का नाम इसी तरह रोशन करती रहे। तो नाज़रीन, ऐसे लोग माशरे के अंदर अगर हों तो पाकिस्तान का जो नाम है वो हमेशा रोशन रहेगा और ऐसी ख़वातीन का होना बहुत ज़रूरी है और ये एक रोल मॉडल है। नाज़रीन आपने इनको सुना, अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उस्मान सियालवी को दीजिए इजाज़त।